ये तो जा रही थी, रायतन ही जा रही थी, रायतन की बस थी तो मैं इसके पीछे था। मेरी भी अपनी छोटी सी गाड़ी थी अल्टो इटर की, तो ये मेरे सामने से आ रही थी तो ये नीचे गिर गई। फिर मैंने अपनी भी गाड़ी रुकाई तो नीचे उतर गए, तो बहुत लोग आए। फिर हमने शीशे तोड़ दिए इस बस के, तो पेशेंट को बाहर निकाला तो मैंने भी अपनी गाड़ी पीछे मुड़ के वापस कर ली और मुझे जाना था कांसा। मेरे पेशेंट को यहाँ लाया, 5-6 पेशेंट मैंने अपनी गाड़ी में भर लिया और यहाँ लिया। तो किसकी लापरवाही समझते हैं आप जो एक्सीडेंट हुआ? जी मुझे लगता है कि रोड की लापरवाही है, क्योंकि वहाँ पे उतना साइड भी नहीं था। ये रोड की लापरवाही थी क्योंकि वो ज़्यादा तेज भी नहीं चल रहा था, खाली रोड की लापरवाही थी। उसने जैसे ही उतना साइड ही नहीं था, दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी आ गई तो ये खाई में गिर गई। कितने जख्मी? गलबन जख्मी तो उसमें बहुत है, लगभग उसमें जख्मी थे, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी बस से जख्मी है। उसमें तो मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा ज्यादा ऊपर से ओवरलोड भी था इस बस में, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है रोड की है, रोड वहाँ पे छोटा था। अगर बिल्कुल खतरे अमिस गई वन तान आज केस अमिस ड्राइवरस वह पारस गाड़ी डुल अत सवर ज्यादा नौस कह अप दुनिया पकान गोल लोग पकान ये गवर्नमेंट कंट्रोल कह कल तादाद नहीं बता सकते हैं। अभी तक हमारे पास 5-6 पेशेंट्स आए हैं, उनके उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी एक्सरे जो जो हमारा जो अपना है हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम एक्सरे कर रहे हैं। तो किसी पॉलीट्रामा पेशेंट्स हैं, ये लोकलाइज इंजरीज नहीं है। पेशेंट वैसे ऐसे स्टेबल हैं, अभी कुछ पेशेंट हमने देखे उनके फ्रैक्चर्स भी हैं। सो हम अभी वेट कर रहे हैं कि अभी जो हमें सुनने में आया है देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स इन द बस एंड बस इज टॉपल डाउन। तो अभी तक हमारे पास 5-6 पेशेंट आए, समहाउ दे हैव एस्केप्ड फ्रॉम दैट प्लेस टू रीच द हॉस्पिटल। तो हमने अपनी तरह से जो हॉस्पिटल की गाड़ियां हैं हमने भेजी हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छी थी, तो वी हैव सेंड ओवर ऑल द 3-4 व्हीकल्स टू द स्पॉट। तो दे आर कमिंग विद द पेशेंट्स, वो सिलसिला चल रहा है अभी।